गो। नमस्कार, जय हिंद। मैं आयुष सिंह, आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल करियर मेकर पे। तो भैया देखिए, हम लोग एक्चुअली अभी तक कर रहे थे टॉपिक, मतलब ये ट्रिक वो ट्रिक, अपने कैलकुलेशन को कैसे इनहेंस करें। आज हम वो टॉपिक करने जा रहे हैं जहाँ से कम 2 नंबर किसी भी एग्जाम के अंदर हम बिल्कुल सिक्योर कर ले जाएंगे, ठीक है, और आप बहुत इजी वे में आपको आ जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है घात एवं घातांक, ठीक है। हम समझ रहे हैं कि आपकी कुछ शिकायतें हैं पिछले वीडियो से, आपको कुछ नाराजगी भी है, तो हम उन सब चीज़ों को मैनेज करेंगे, ठीक है। धीरे से हम आपकी हर एक चीज़ को मैनेज कर देंगे। तो लिखा है घात एवं घातांक। देखिए, घात एवं घातांक का मतलब ये होता है ना, किसी भी संख्या के ऊपर यहाँ पे जो भी अंक लिखा रहता है ना, वो उसकी घात कहलाता है या पावर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 2 की पावर 3 लिख देना, तो भैया ये 2 की पावर 3 पढ़ा जाता है, ठीक है, 2 की घात 3 पढ़ा जाता है। और इसका मान होता है 2 × 2 × 2 बराबर कितना होता है, 8 होता है। क्लियर है, यहां तक कोई समस्या नहीं है, ठीक। अब हम यहां से आपको 1-2 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बताएंगे जो आपको आगे बहुत मदद करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये कहता है, हमने छोटे में पढ़ा था कि अगर गुणा में आधार समान हो तो घाते जुड़ जाती हैं, ठीक है। हमको ये बात लाइन तो रटी है लेकिन समझ में नहीं आता। इसका होता भी ये है कि अगर 2 संख्याएं आपस में कैसे में हैं, गुणा में हैं, ठीक, और इनका जो आधार यानी कि ए है ये इक्वल है, तो इनके ऊपर जितनी भी पावर लगी होगी ना, वो आपस में क्या होगी, जुड़ जाएगी। हमने क्या बोला, गुणा में आधार समान होने पर पावर भैया क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की पावर b+c आ जाएगी। क्या इतनी बात हमारी सही है, आपको समझ में आई। हमने क्या कहा, गुणा में आधार बराबर होने पर घाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, यानी पावर का क्या हो जाता है, सम हो जाता है। इफ बेस इज इक्वल देन हम सम का पावर का क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब हम आपको एक संख्या से कहानी समझाते हैं, ठीक। अभी तो हमने ऐसे लिखा था, अगर हम इसको लिखे होते 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 7, ठीक है, तो भैया ये सीधे सीधे हमारा 2 की पावर कितना बन जाता, 13 बन जाता। इतने में किसी को दिक्कत है, कैसे हो गया, पहली बात तो मल्टीप्लाई है, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई, बेस भी हमारे इक्वल है, बेस मतलब आधार, यहां भी 2 है आधार, यहां भी आधार 2 है, क्लियर। तो घातों का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। घातों यानी जो ऊपर खोपड़ी चढ़े बैठे हैं, इनको क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये दोनों आपस में जुड़ के कितनी बन जाती है, 13 बन जाती है। क्लियर है, इतने में कोई समस्या। चलो अगर हम इस पे एक क्वेश्चन की बात करते हैं, इस पे हम जैसे ही क्वेश्चन लिखेंगे आपको क्वेश्चन को जाने पहचाने लगेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन आए हैं पेपर। देखो, पहला क्वेश्चन आया था 9 to power 3, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। अब हमने आपसे बोला कि इसको सॉल्व करिए। जैसे ही हमने आपसे बोला कि इसको सॉल्व करिए, तो आपके साथ एक समस्या सबसे बड़ी ये आ गई कि यार इसका बेस ही नहीं इक्वल है। कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, एक बात बताओ, अगर कहीं 4 लिखा है, फॉर एग्जाम्पल कहीं 4 लिखा है, तो क्या इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। तो वैसे ही 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, और होल पावर कितनी है, 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। बात सही की गलत, आपने कहा हाँ बिल्कुल सही है। भैया देखो, ये 3 दूनी कितनी बन जाएगी, 6 बन जाएगी। तो 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। देखो, बेस दोनों का हमने इक्वल कर लिया, अब पावर का हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा यह, और यही हमारा क्या है, आंसर है। इतने में कोई दिक्कत है, हमने आपसे क्या कहा, कुछ नहीं कहा। हमने कहा ये सवाल जैसे ही आपने देखा, आपके दिमाग में हमारी कहानी चल गई कि अगर बेस इक्वल होंगे तो पावर का सम हो जाएगा। लेकिन लाल, यहाँ तो बेस ही इक्वल नहीं है, इस तरह क्या दे दिया, यहाँ तो बेस ही इसने इक्वल नहीं किया, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करेंगे, हम 9 को लिख लेंगे, ठीक है। जैसे हम 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, वैसे हम 9 को 3 की पावर भी तो 2 लिख सकते हैं, ठीक। अब इसका और इसका हो जाएगा गुणा, तो 3 × 2 = 6, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 6, 3 की घात कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, गुणा लग जाएगा, और यहाँ कितना है, 3 की घात 3, तो यहाँ 3 की घात 3 हो जाएगी। देखो, आधार बराबर हो गया ना, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है,
बीच में गुणा भी है, सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो हम यहाँ पावर का क्या कर देंगे, सम कर देंगे, हम घातों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो तीन की घात कितनी हो जाएगी, नौ हो जाएगी। क्लियर है, कोई समस्या? ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में खूब देखने को मिलते हैं, खूब देखने को मिलते हैं, और हड़बड़ाहट में हम इसको गलत कराते हैं। क्लियर, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, आपको आएगा, और जो कुछ भी आपको ना आया करे, किसी भी तरह की समस्या हुआ करे, तो आप अपना छोटा भाई बड़ा भाई कुछ भी समझ के आप अपनी समस्या कमेंट सेक्शन में लिखा जरूर करो, ठीक है, कुछ भी लिखा करो। अगर आप अच्छा लिखोगे तो हम मोटिवेट होंगे, अगर आप अपनी समस्या लिखोगे तो हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या रहा है, 256 की पावर भैया कितनी है, 0.16 है, ठीक है, मल्टीप्लाई 16 की पावर कितनी है, 0.18 है, कितनी है, 0.18 है। क्लियर, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 256 की पावर 0.16 मल्टीप्लाई 16 की पावर 0.18, आप इसको सॉल्व करो। देखो आप इसको सब सॉल्व करोगे तो आपके दिमाग में फिर एक कहानी आई, फिर एक समस्या बन गई, क्या ये तो बेसिक्वल नहीं है, हम बेसिक्वल कर लेते हैं ना, ठीक है, तो क्या ये 16 का स्क्वायर लिखा है आपने, हाँ कहा तुरंत हाँ, कि हमने आपको जब पढ़ाया था स्क्वायर रूट तो हमने आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाया था, और आप इसका निकाल लोगे तुरंत, आपको समझ आएगा कि 16 का क्या लिखा है, स्क्वायर लिखा है। हमने कहा बहुत सुंदर, होल पावर कितनी है, 0.16 मल्टीप्लाई 16 की पावर ये कितनी है, 0.18। आपने कहा हाँ ठीक, सब कुछ अभी तक बेहतर चल रहा है, बहुत बढ़िया सुंदर चल रहा है। अब देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 16 × 32 यानी 0.32 हो जाएगा। देखो ना 0.16 का जब हम दो में गुणा करेंगे तो 16 × 32 और दो अंक बाद दशमलव लगेगा तो क्या आएगा, 0.32 आ जाएगा। क्लियर, तो यहां से हमारा कितना आ गया, 16 की पावर 0.32 मल्टीप्लाई 16 की पावर 0.18। क्लियर, आपने कहा हाँ हमको यहां तक बिल्कुल अच्छा समझ में आ गया है। अब देखो बेस हमने इक्वल कर लिए, अब हम पावर का क्या कर देंगे, सम कर देंगे, हम पावर जोड़ देंगे उठा के, और जैसे ही हम पावर जोड़ेंगे तो ये लिखेगा 16 की पावर 0.50 लिखा है। क्लियर, इतने में तो हमें लगता है कोई समस्या किसी को होनी ही नहीं चाहिए, आपको भी नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, क्या हम 0.50 को 1/2 लिख सकते हैं? आपने कहा हाँ लिख सकते हैं, आधा का मतलब ही 1/2 होता है, चाहे 0.5 कह लो चाहे 1/2 कह लो, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ से देखो इसको हम यहाँ बता रहे हैं, नीचे तो बेच आ रहा है यहाँ पे, इसके आ रही है, ठीक है ठीक है। तो ये देखो ये लिखा है 4 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर होता है, ये लिखा है 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अब जब इसको लिखेंगे 0.50 को 1/2 लिखेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, इंटू 1/2, और ये 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा, और आंसर हमारा कितना आ जाएगा, भैया आंसर हमारा यहाँ पे आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्लियर है, ये वाली चीज आ रही है नीचे, क्रॉप तो नहीं, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हमने क्या किया, 16 को लिखा 4 का स्क्वायर, ठीक है, और 0.50 को लिखा 1/2, तो गुणा 1/2 हुआ, तो 2 से 2 कट गया, तो 4 की पावर 1 हमारा भैया कितना आंसर आ गया, 4 आंसर आ गया। और ये क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा कई बार पूछा गया है पेपर में, ये डिफरेंट डिफरेंट पेपर में कई बार हमको देखने को मिला है, ठीक है, इतने में कोई समस्या नहीं है। अब देखो अब तुमको एक नया कॉन्सेप्ट, एक नई कहानी, ठीक है, हम तुमको ऐसी कोई भी चीज नहीं बताएंगे जो सिर्फ एक ही क्वेश्चन में लगे, हम तुमको ऐसी ही चीज बताएंगे जो हर तरह के क्वेश्चन में लग जाए, आप आराम से हर क्वेश्चन को कर लो, ठीक, बस पेशेंस के साथ सीखते रहो, ठीक है। अगर सीखने का मन है ना तो फिर मैटर नहीं करता है कि ये व्हाइट बोर्ड है कि डिजिटल बोर्ड है, ठीक, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, अगर आपको समझ में आएगा तो आप रेगुलर आओगे, मुझे पता है, ठीक। कह रहा है यदि 3 की पावर x+8, ठीक है, इज इक्वल्स टू 27 की पावर 2x+1, ठीक है, क्या लिखा है, 3 की पावर x+8 इज इक्वल्स टू 27 की पावर 2x+1, तो x का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी तुमको हम एक चूरन देंगे पहले। देखो चूरन ये है कि अगर अभी तक हमने सीखा था कि गुणा में
अगर आधार समान होते हैं तो घातों का हम क्या कर देते हैं, योग कर देते हैं। अब एक कहानी ये है कि अगर बराबर के दोनों तरफ, अगर बराबर के दोनों तरफ आधार समान है तो हम घातों की क्या कर देते हैं, तुलना कर देते हैं। हम घातों को क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। हमने क्या कहा, फिर से सुनो, हमने कहा अगर बराबर के दोनों तरफ आधार बराबर हैं तो हम घातों को भी क्या कर देते हैं, आपस में बराबर कर देते हैं। यानी कहने का मतलब जैसा ये दिख रहा है वैसा ही तो ये दिखेगा, तभी तो बराबर होगा। तो यहाँ सीधी सी बात है कि बी की जगह क्या लिखा है, टू, तो यहाँ बी बराबर हम कितना कर देंगे, टू कर देंगे। क्लियर है? अगर आपको चीजें अच्छी लगे तो हमें कॉमेंट सेक्शन में बताना जरूर लिख करके कि हाँ ठीक थे, इतनी बात क्लियर। यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे। आओ देखो, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें एक छोटी सी कहानी ये है कि यहाँ बेस है 3 और यहाँ बेस है 27, तो इस समय तो सवाल में कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हमारी बुद्धि ने हमसे ये कहा कि अगर हम 27 को 3 की पावर 3 लिख ले तो क्या कुछ घट जाएगा, तो कहोगे नहीं कुछ नहीं घटेगा, बढ़िया है। तो हमने कहा काम करो, इसको 3 की पावर x+8 लिखा रहने दो और इसको 3 की पावर 3 लिख लो, ठीक। उसके बाद होल पावर कितनी है, 2x+1 है, बहुत सुंदर। अब तुमको पता है कि इसका बाहर गुणा होता है, ठीक है, इसका बाहर क्या होता है, गुणा होता है, तो इसका गुणा इसमें भी होगा और इसका गुणा इसमें भी होगा, तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर x+8 = 3 की पावर 3 × 6 तो 6x+3 = 3। क्लियर हो गया? अब देखो बेस इक्वल कर लिए ना, हम पावर कंपेयर करा देंगे, ठीक है। घातों की क्या कर देंगे, आपस में तुलना कर देंगे, सरल भाषा में कहें तो घातें आपस में क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, ठीक। वेल लाइट